नमस्कार, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। सेक्टर 6 के सामान्य अस्पताल के स्टाफ की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां चल रहे MRI एंड CT स्कैन सेंटर में 61 साल के बुजुर्ग राम मेहर को MRI मशीन में डालकर वहां के टेक्नीशियन भूल गए। इस बीच मरीज की सांसें टूटने पर उन्होंने काफी हाथ पांव मारे, लेकिन बेल्ट बंधी होने के कारण वे हिल भी नहीं सके। लेकिन बुजुर्ग ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार जोर लगाते रहे। इस बीच बेल्ट टूट गई और वे मशीन से बाहर निकलने में कामयाब रहे। पीड़ित ने MRI और CT स्कैन सेंटर के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनकी शिकायत हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से की है। पीड़ित ने DG हेल्थ डॉक्टर सूरज भान कम्बोज सेक्टर 5 स्थित थाने में भी इसकी शिकायत दी है। पीड़ित ने अपनी शिकायत में लिखा है कि अगर वह 30 सेकंड और बाहर नहीं आते तो उनकी मौत हो जाती। इस मामले में जब MRI सेंटर के इजाद से बात की तो उसने बताया कि इसमें टेक्नीशियन की कोई गलती नहीं है। उनका कहना था कि टेक्नीशियन ने ही पेशेंट को बाहर निकाला। बकौल सेंटर इजाज, मरीज का 20 मिनट का स्कैन था और टेक्नीशियन को आखिरी 3 मिनट का सीक्वेंस लेना था। अंत में सिर्फ 2 मिनट रह गए थे। मरीज को घबराहट हुई और वे हिलने लग गए थे। सिटी स्कैन सेंटर के इंचार्ज ने बताया कि टेक्नीशियन ने बुजुर्ग को हिलने डुलने से मना किया था। इसके साथ ही टेक्नीशियन दूसरे सिस्टम में नोट्स चढ़ा रहा था। जब 1 मिनट रह गया था तो टेक्नीशियन ने देखा मरीज खुद ही आधा बाहर आ गया। इसके बाद टेक्नीशियन ने ही मरीज को बाहर निकाला।